ये रहा हमारा 500 ml पेट्रोल। सो गाइस हमारा डोमिना 250 एक लीटर पेट्रोल पे देता है। What's up everybody, this is Adip Jyoti। तो आज हम जाएंगे अपना बाइक का माइलेज टेस्ट करने, जो मैं इतने दिन से बोल रहा था, पिछले 2-3 वीडियो से मैं बोल रहा था कि आज मैं बाइक का माइलेज टेस्ट करूंगा। तो फाइनली आज हम बाइक का माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। तो आज मैं अपने दोस्त, जो मैंने बोला था, मतलब कल के वीडियो में मैंने दिखाया था, जेडी जोदीप नाम है उसका, तो मतलब उसको हम जोदीप भी बुलाते हैं, लेकिन उसका चैनल का नाम है जेडी जोदीप। तो वो भी मेरे साथ जाएगा, शायद वो भी एक वीडियो करेगा। तो आज हम दोनों मिलके अपने बाइक का माइलेज टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि लीटर पेट्रोल से, मतलब 50 ml पेट्रोल से हम लोग माइलेज टेस्ट करेंगे और देखते हैं जितना भी होगा उसका हम लोग 82 कर देंगे। तो आपसे मिलते हैं बाइक पे जब मैं फ्यूल निकालूंगा, मैं मतलब अभी मैं जाऊंगा फ्यूल निकालने। तो जब फ्यूल निकालने जाऊंगा तो आपसे मिलते हैं, बाय। मैंने बोला था कि आज मैं माइलेज टेस्ट करूंगा, तो अभी मैं आ चुका हूं जेडी के घर के सामने। ये रहा जेडी, और मैं अभी इसका पेट्रोल निकालूंगा सब। तो निकालने के बाद मैं थोड़ा चलाऊंगा, जहाँ पे जाके पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, स्टार्ट ऑफ हो जाएगा, तो वहाँ पे मैं 1.5 लीटर पेट्रोल इसके अंदर डालूंगा और अपना वीडियो मतलब आगे का माइलेज टेस्ट स्टार्ट करूँगा। तो अभी अभी तो दिखा क्या फ़ायदा नहीं है, तो फिर भी दिखा देता हूँ। अभी ये 692 किलोमीटर चल चुका है, तो बाकी हम इससे प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे जो आएगा, और उसका रिजल्ट हम लोग को पता चल गया। तो मिलते हैं आपसे बाइक पे। गाइस अभी हमारा बाइक देखिए, यहाँ पे रिजर्व का इंडिकेटर दिखा रहा है, रिजर्व हो चुका है हमारा बाइक, मतलब रिजर्व तेल बहुत कम है। हम लोगों ने ये 1.5 लीटर निकाल लिया अपने बाइक से। मैंने बाइक का फ्यूल अप भी नहीं करा इसलिए, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे माइलेज टेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे बाइक से यहाँ पे इतना तेल 1.5 लीटर निकाल लिया, जो जिसका मैं माइलेज टेस्ट करूँगा। तो अभी जितना भी पेट्रोल है वो हम चला के ख़त्म करेंगे, इसके बाद इसको अंदर डालेंगे। तो आपसे मिलते हैं बाइक पे। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ शत्रुघाट ब्रिज पे। तो अभी भी मेरा बाइक चल रहा है इतने फ्यूल से, तो देखते हैं आगे कहाँ पे जाके ख़त्म होता है। जहाँ पे जाके ख़त्म होगा वहाँ पे मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो चलो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ महासड़क के पहले पेट्रोल पम्प पे। तो मैंने पेट्रोल, मेरा दोस्त पेट्रोल भरा रहा है, मतलब ले रहा है वो बोतल पे, क्योंकि जहाँ पे भी ये ख़त्म होगा इसका पेट्रोल, वहाँ से हमको आना है वापस, तो उसके लिए पेट्रोल चाहिए। तो मेरा दोस्त पेट्रोल लाने गया है, हम वो बोतल पर कैरी करेंगे। और ये जो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देसी जुगाड़ भी किया है, क्योंकि पेट्रोल लीक कर रहा था, क्योंकि ये इसका कैप नहीं है, इसका कैप कुछ अलग होता है ब्लू कलर का। तो ये देसी जुगाड़ लगाया जाए जैसे पेट्रोल लीक ना हो। तो और ये जो 500 ml पेट्रोल है इसे हम इसके अंदर डालेंगे, जहाँ पे भी इसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे ये पेट्रोल इसके अंदर डालेंगे और माइलेज टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो तब इसको भी हम रीसेट तो कर नहीं सकते, क्योंकि मेरा फर्स्ट सर्विसिंग नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो 995 दिखा रहा है, तो जहाँ पे जाके भी ये ख़त्म होता है, जहाँ पे जाके ये ख़त्म होगा और वहाँ से हम लोग उसको नोट करके रखेंगे कितना किलोमीटर हुआ, और जितना भी होगा उससे उसको माइनस कर देंगे, और जितना इसके बाद जो निकलेगा उसको ×2 कर देंगे, तो हमारा एग्जैक्ट 1 लीटर का पेट्रोल का माइलेज निकल जाएगा। तो मेरे दोस्त का वेट करते हैं, तो आपसे मिलता हूँ जहाँ पे ये पेट्रोल ख़त्म होगा। और ये मेरा दोस्त लेके आ चुका है यहाँ पे थोड़ा, और ये इस बोतल पे भी, दोनों बोतल पे लेके आ चुका है वो एक्स्ट्रा पेट्रोल है। तो ये हमको डालना है जब इसका माइलेज टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं चलते, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। तो गाइस अभी मैं एक जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे आके हमारा बाइक का फ्यूल हो गया ख़त्म। तो अभी मैं 500 ml इसके अंदर डालूँगा और माइलेज टेस्ट करूँगा। और अभी वैसे 703 किलोमीटर मेरा बाइक चल चुका है, उसके बाद जितना होगा उससे हम लोग माइनस करेंगे 703, इसके बाद जो माइलेज आएगा उसको हम लोग ×2 करेंगे। तो अभी मैं दिखा देता हूँ, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा, ये देखिए न्यूट्रल पे बाइक ऑन है। गाइस ये स्टार्ट नहीं ले रहा, देखिए स्टार्ट नहीं ले रहा। तो
मैं इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं करता हूँ क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है जिसमें फ्यूल इंजेक्टर अगर ख़राब हो सकता है इससे अगर ज़्यादा हम लोगों ने फोर्स किया तो। अभी मैं 500 ml पेट्रोल देता हूँ इसके अंदर डालूंगा तो देखते हैं, इसके बाद हम लोग 500 ml इसके अंदर डालेंगे तो मैं डालता हूँ अभी। आउट करना शुरू कर दिया, मिस कर रहा है तो देखते हैं आगे क्या होता है।
और आगे जाएंगे हम लोग, पूरा जब तक स्टार्ट नहीं होगा जाता तब तक हम लोग इसको चलाते रहेंगे और देखते हैं आगे जाके क्या होता है हमारा माइलेज टेस्ट का रिजल्ट। तो चलिए तो गाइस अभी बाइक का फ्यूल हो चुका है पूरा ख़त्म, क्योंकि मैंने देख लिया, ये देखिए न्यू बाइक है इसलिए मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा और एक बार लास्ट टाइम करूँगा। बाइक नहीं हो रहा स्टार्ट और यहाँ पे 722 किलोमीटर तक हमारा बाइक चला है। तो अब इसको हम माइनस करेंगे, इसके बाद हम इसको इंटू टू करेंगे। तो करके मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस हमारा बाइक चल चुका है 722 किलोमीटर और अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना होता है। तो अभी हम अपने बाइक का माइलेज टेस्ट करेंगे तो थोड़ा मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। तो गाइस हमारा माइलेज टेस्ट हुआ था 722 हुआ अभी, और अभी हम इसको माइनस करेंगे 703 से माइनस करने के बाद हमारा रिजल्ट आता है 19, और अभी इसको इंटू टू कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आता है 38 किलोमीटर। सो गाइस हमारा डोमिनार 250 एक लीटर पेट्रोल पे देता है 38 का माइलेज, एक लीटर पेट्रोल से ये 38 किलोमीटर तक चलता है। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ गाइस बहुत ज़्यादा। तो गाइस एक 250 सीसी का बाइक हमें 38 किलोमीटर का माइलेज दे रहा है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा माइलेज दे रहा है। और मेरे दोस्त ने भी एक वीडियो बनाया तो उसके चैनल पे जाके चेकआउट करना। और मैं ये बताना चाहता था कि गाइस कोई अगर बोलता है कि ये रियल माइलेज टेस्ट नहीं था तो एक्चुअली गाइस हमको क्या मिलेगा, आपको कुछ उल्टा सीधा बता के हमको तो कुछ नहीं मिलेगा, ना ही बजाज से हमको कुछ, ना ही किसी से हमको कुछ मिलेगा, तो हम क्यों उल्टा सीधा बताएंगे। तो हमने जो एग्जैक्ट माइलेज है वही बताया, और हमारा हमने इंटू टू क्यों किया इसको वो आपको पता ही है, क्योंकि हम लोगों ने 500 ml डाला था और हम लोगों ने इसका एग्जैक्ट माइलेज को 1 लीटर तो हम पकड़ते हैं, इसलिए एग्जैक्ट माइलेज 500 ml को इंटू टू कर दिया और बाइक का माइलेज आया है 38। तो गाइस डोमिनार 250 BS6 एक लीटर पे देता है 38 किलोमीटर पर लीटर माइलेज, 38 का माइलेज देता है। तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि 250 सीसी बाइक में 38 का माइलेज बहुत ही ज़्यादा है, वो भी फर्स्ट सर्विसिंग से पहले, फर्स्ट सर्विसिंग के बाद और भी ज़्यादा माइलेज आएगा। तो दिस इज़ माई बेस्ट, और मुझे आज लगता है कि मैंने एक सही बाइक चूज़ किया, क्योंकि इस पर पिकअप भी बहुत ज़्यादा है, उसका मैं फुल रिव्यू एक दिन बनाऊंगा। तो मैंने जो बोला था कि माइलेज टेस्ट का वीडियो बनाना है मुझे, तो मैंने माइलेज टेस्ट का वीडियो बना दिया और मेरा बाइक 38 का माइलेज देता है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, बाकी लोगों का पता नहीं। यहाँ पर 250 cc आप देख सकते हैं, डोमिनार 250, ये रहा डोमिनार, D250 इधर लिखा है, तो आपको पता चल ही गया होगा कितना दिया। तो गाइस अभी मैं पिलियन का रिव्यू दे रहा हूँ, मतलब डोमिनार 250 में पीछे बैठ के बहुत ही अच्छा नज़र आता है, क्योंकि मेरा दोस्त बाइक चला रहा है। और गाइस व्यू चेकआउट कीजिए गाइस, क्या ही व्यू है गाइस, यहाँ पे आने से किसी को भी शांति और मज़ा आएगा। बहुत ही प्यारा सा लोकेशन है, अगर कोई सिलचर पे आता है बा कोई इधर नहीं आया अभी तक तो आ सकते हो, वहाँ सड़क से स्ट्रेट ही रास्ता है, जितना भी आते रहोगे इतना व्यू मिलता रहेगा।
तो गाइस कोई भी आना चाहे तो आइए ज़रूर ये जगह को एक्सप्लोर। हम लोगों ने किसी तरह बोला कि एक्सप्लोर किया है, मैं और एक दिन आऊँगा अच्छे से इस गार्डन के अंदर जाके एक्सप्लोर करूँगा। और इधर भी देखिए गाइस सिर्फ टी गार्डन है, तो आना ज़रूर इधर। और गाइस शाम हो चुका है तो मैं और वीडियो कंटिन्यू नहीं करता हूँ, मैं अभी घर पे जाके वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो तब तक के लिए बाय गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मैं घर पे आ चुका हूँ, तो अभी मैं एडिटिंग करने बैठूँगा। और मैं ये बताना चाहता था कि अभी से मतलब ये वीडियो आएगा शाम के सुबह के 8 बजे, और बाकी का जो वीडियो आएगा सब शाम के 6 बजे आएगा, क्योंकि मैं टाइम चेंज कर रहा हूँ, मुझे अपलोड करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए मैं ये टाइम चेंज कर रहा हूँ। और मैं बोलना चाहता था कि यही बातें, और कल मोहल्ला है तो सुबह जाके मैं कुछ वीडियो बनाऊँगा, तो वो आपको मिलेगा परसों शाम के 6 बजे। मतलब टाइमिंग अभी चेंज हो जाएगा, 8 बजे से 6 बजे चला जाएगा, सब वीडियो 6 बजे आएगा। तो अगर ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।